अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुहेब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, हम लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ और उसकी पहली एप्लीकेशन कर चुके हैं। अब हम गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन इस लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, जिसको हम पहले देख चुके थे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पैदा होगी, वो हम गॉस लॉ को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसे आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टाइटल के अंदर जो लिखा हुआ है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, सबसे पहले हम इसे कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर किया गया, कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका आपने एक फाइनाइट पीस लेना है, यानी कि फाइनाइट पार्ट लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट पार्ट को स्टडी करना ज़रा मुश्किल है। उसका एक फाइनाइट पार्ट लें ताकि जो बिहेवियर उसका, जो बिहेवियर पूरी शीट परफॉर्म करेगी, वही उसका फाइनाइट पार्ट करेगा, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके पास एक फाइनाइट पार्ट आपने उस शीट का ले लिया हुआ है, और आपको पता है कि जो पूरी शीट है उसका एरिया, अगर हम सपोज कर लें कि एरिया ए है, तो उस पूरी शीट के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी चार्ज डेंसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया है, चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया के लिहाज से जो चार्ज उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें, तो एरिया को यहाँ से हम सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो कि चार्ज डेंसिटी है। तो कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज विच इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर शीट, तो ये सिग्मा ए के इक्वल आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपको एक क्लोज गॉसियन सर्फेस क्या करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। तो किसी पॉइंट पी के ऊपर, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है जिसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं इस पॉइंट पी के ऊपर एक गॉसियन सर्फेस सपोज करूँगा। गॉसियन सर्फेस किसी भी शेप की हो सकती है। लेट्स सपोज वो सर्फेस इस केस में एक सिलेंड्रिकल शेप की, जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रही है, सिलेंडर आपको नजर आ रहा है। जी, ये सिलेंड्रिकल शेप की आपने गॉसियन सर्फेस सपोज की हुई है, जिसकी तीन साइड्स आपको नजर आ रही हैं, तीन सर्फेसेस नजर आ रही होंगे। एक इसका ये वाला फेस जिसको S1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक इसका ये वाला फेस जिसको S2 के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक इसकी राउंड शेप, ये राउंड शेप S3 के साथ रिप्रेजेंट की जा रही है, यानी कि इसकी सर्कुलर शेप। तो आपके पास तीन सर्फेसेस हैं। आपने बारी बारी इन तीनों सर्फेसेस में से इस शीट के ऊपर पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप तीनों सर्फेसेस को सपोज कर लेंगे, एक सर्फेस S1 है, S2 है और तीसरी S3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इन सर्फेसेस के ऊपर पाए जाने वाले वेक्टर एरिया के साथ डायरेक्शन क्या है। तो आपको एरिया A1, A2 बराबर दिए हुए, जिसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों फेसेस सिमेट्रिकल हैं, जितना इस फेस का एरिया उतना इस फेस का एरिया, तो A1 और A2 आपस में इक्वल होंगे, जिसको A से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो फ्लक्स S1 और S2 का, ये आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फेसेस हैं और दोनों के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो भी सेम है। तो फाई S1 आपके पास कितना आएगा, EA cos थीटा, थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है इस सरफेस के ऊपर जो वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस होगी वो भी परपेंडिकुलर होंगी। तो दोनों में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आ रही होगी, तो इस एरिया के साथ भी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो फाई एस वन और फाई एस टू दोनों ही ई ए कॉस ऑफ थीटा, जो कि कॉस 0 डिग्री की वजह से 1 हो जाएगा, तो ई ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो फाई एस वन और फाई एस टू दोनों ई ए के इक्वल आएंगे। अब हम सरफेस 3 में से देख लेते हैं कितना फ्लक्स पास थ्रू हो रहा है। उसके लिए उस सरफेस को अगर देखा जाए, तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम वेक्टर एरिया लें, जो कि सरफेस की राउंड शेप की वजह से हर पॉइंट पर नॉर्मल होगा, तो आप देखें फील्ड के साथ हमेशा किसी भी पॉइंट पर अगर उसका नॉर्मल ले लिया जाए, तो फील्ड के साथ उसका बनने वाला एंगल चाहे राइटवर्ड हो चाहे लेफ्टवर्ड हो, वो एंगल कितना बनेगा, वो एंगल 90 डिग्री बनेगा। जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास राउंड शेप थी, इसके ऊपर अगर एरिया में ऊपर सपोज करूँ, नीचे सपोज करूँ, अपनी तरफ सपोज करूँ या अपने से अवे सपोज करूँ, तो इन ऑल दीज डायरेक्शंस वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एंगल होने की वजह से सरफेस S3 में से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। जी बेटा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। अब आपने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। अब आपके पास टोटल इस स्फीयर की जो सरफेस थी वो कितनी थी, तीन। तो टोटल फ्लक्स आपके पास फाइव एस वन, फाइव एस टू, फाइव एस थ्री, यानी कि तीनों सर्फेसिस का टोटल फ्लक्स आपने निकालना है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ EA प्लस जीरो आ जाएगा, क्योंकि पहली दोनों सर्फिसेज का जो आपके पास फ्लक्स था वो सेम था, तीसरी का जीरो निकला 90 डिग्री एंगल की वजह से। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आई, 2 EA के बराबर आई।
अब यहां से आपने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है क्योंकि आप फ्लक्स फाइंड कर चुके हैं और गॉसेस लॉ के मुताबिक जो फ्लक्स होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस होता है। तो यहां से फाई ई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि आपको नजर आ रही है कि वो 2EA के बराबर आई है। तो यहां आप 2EA पुट करेंगे और जो टोटल चार्ज की वैल्यू आप स्टार्ट में निकाल चुके हैं, आपको आइडिया होगा कि हम स्टार्ट में ही टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि सिग्मा ए के इक्वल थी। इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 2EA 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा ए। अब यहां से ए ए से एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा तो यहां 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा जो कि होगा आर कैप, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम इसको वेक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जी, अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। जी बेटा, गॉसेस लॉ की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। आपने टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए पहले आपको पैरेलल प्लेट्स जो है वो सपोज करनी पड़ेंगी जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिखा है कंसीडर टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय वैक्यूम आर गिवन ऑपोजिट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। इन दिस कंडीशन चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द प्लेट्स। बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ आपके पास दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको सपोज किया गया, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके ऊपर, और दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से इन दोनों को सेपरेट किया गया है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड पैदा होगी और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। तो हम देख लेते हैं, लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनर सर्फेस। ये इनर सर्फेस पे क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से इनर सर्फेस भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और आगे क्या होगा जरा देखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड टर्मिनेट एट नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स एज शोन। यही बात मैं आपको इस डायग्राम में अभी समझा चुका हूं। ठीक है जी बेटा इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द प्लेट लाइक शीट ऑफ चार्ज ऑफ द सर्फेस, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब देखें, यही बात मैं आपको समझा चुका हूं कि दोनों में अट्रैक्शन की वजह से ये इनर सर्फेस पे चार्जेस आ जाएंगे, राइट। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी किसी एक प्लेट की, वो आपके पास क्या होगी, टोटल चार्ज ओवर एरिया। तो दोनों प्लेट्स चूंकि सिमेट्रिकल है, दोनों का एरिया सेम होगा, तो यहां से किसी भी प्लेट का आप चार्ज निकाल सकते हैं। ए को आप मल्टीप्लाई करें सिग्मा के साथ जो कि चार्ज डेंसिटी है, जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है, तो आपके पास टोटल चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा ए के बराबर आएगी, जैसे आपने लास्ट टॉपिक में देखा। जी बेटा, इसमें लिखा है जो ए है वो एरिया है और जो आपके पास जो क्यू है वो दोनों में से किसी भी प्लेट के ऊपर पाया जाने वाला टोटल चार्ज है, क्योंकि दोनों पे चार्ज की मिकदार सेम है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, टोटल चार्ज सेम है, तो वो किसी भी प्लेट के ऊपर आप चार्ज की मिकदार क्यू को कंसीडर कर सकते हैं। जी, अगले लिखा, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इमेजिन अ क्लोज गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स विद द टिप इनसाइड द लेफ्ट मेटल प्लेट एंड इट्स बॉटम इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। बड़ा आसान से मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप पॉइंट पी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, क्या इस्तेमाल करते हुए, गॉसेस लॉ को यूज करते हुए, क्योंकि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, तो गॉसेस लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो गॉसियन सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है जिसको आप गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। तो यहाँ एक बॉक्स नुमा गॉसियन सरफेस आपने सपोज कर ली है जिसकी एक साइड एक प्लेट के ऊपर है और दूसरी साइड यहाँ वैक्यूम के अंदर है, राइट। अगर इस तरह का बॉक्स नुमा आप एक क्लोज सरफेस को सपोज करते हैं, इन दैट केस क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास कितनी सरफेसेस बन जाएंगी इसकी, चार, 1, 2, यानी कि लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड बॉटम, राइट। तो टॉप और बॉटम का फ्लक्स क्या है, जीरो। टॉप और बॉटम का जो आपके पास फ्लक्स है वो जीरो क्यों है, इसमें जो टॉप साइड है जो बॉटम साइड है इसके ऊपर अगर आप वेक्टर एरिया सपोज करें यहाँ, तो वो इसके ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। इसका वेक्टर एरिया इसके ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट जा रही है तो दोनों में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर दोनों में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू टॉप और बॉटम की क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट साइड है। लिखा है द फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड इज आल्सो जीरो, जो लेफ्ट साइड का फ्लक्स है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट। ठीक है, मेटल प्लेट के अंदर कोई फील्ड नहीं, क्योंकि फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो तमाम फील्ड है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगी। तो ये बॉटम, ये वाली जो साइड है लेफ्ट वाली, ये आप प्लेट को घेरे हुए हैं लेकिन फील्ड लाइंस इसके अंदर से नहीं गुजर रही, फील्ड लाइन आपकी लेफ्ट वर्ड नहीं जा रही बल्कि राइट वर्ड जा रही है। इसका मतलब इस वाली साइड में से किसी किस्म का
कोई फ्लक्स पास थ्रू नहीं होगा, इसमें से कोई फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस साइड इज इक्वल टू जीरो, सो इट्स फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो, विच इज द लेफ्ट साइड, ये जीरो के बराबर होगा। आगे लिखा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट साइड ऑफ द गॉसियन सरफेस इज गिवन एज। अब राइट साइड देखें, अगर आप इधर को देखें तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा इसके ऊपर नॉर्मल होगा, जो फील्ड के साथ जीरो डिग्री पे आ जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल होने की वजह से इसका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि हम राइट साइड पे फ्लक्स ऐसे निकाल सकते हैं, फाइव ई राइट इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा जीरो डिग्री है, कॉस जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ई ए आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये थ्री तो लिखा हुआ इसका सब्सक्रिप्ट, लेकिन आपको पता है कि इन तीनों साइडों में आपके पास फ्लक्स जीरो, तो एक ही साइड बचती है, तो एक ही साइड को बाकी साइड के साथ आपने कंपैरिजन तो करना नहीं है, तो आप इसको सिंपल ए कंसीडर कर सकते हैं। तो जब आप इसको ए लेंगे तो आपके पास थर्ड जो साइड है एस थ्री सरफेस, उसके अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो ई ए आएगी। अब अगर आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तमाम फ्लक्सेस को, राइट लेफ्ट बॉटम टॉप चारों फ्लक्सेस को ऐड करेंगे, तो आपको पता है तीन साइड्स का फ्लक्स आपके पास जीरो आया, तो एक साइड का फ्लक्स ई ए आया, तो टोटल भी आपके पास क्या आएगा, ई ए। तो अब हम फ्लक्स फाइंड करने के बाद अगर यहाँ गॉज़ लॉ को अप्लाई करते हैं, तो गॉज़ लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रिलेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो फाइव ई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। अब आपको पता है कि टोटल चार्ज क्या है, सिग्मा ए के इक्वल है, जो हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, फाइव ई अभी आपने निकाला जो कि ई ए के इक्वल आ रहा है, इन दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करें ए ए से कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ए से कटने के बाद सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये तो थी इसकी स्केलर फॉर्म, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे एक साइड यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा आर कैप, और आर कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जी बेटा, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज हमने दो टॉपिक्स किए हैं, दो एप्लीकेशंस किए हैं गॉज़ लॉ की, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मैं कल फिर हाजिर हूँगा आपके सामने, अल्लाह हाफिज़।